आनुक आगम के बारे में विचार चल रहा था। अत्र नव्याः अस्तुक्तरित्या दीर्घोच्चारणम अन्यतोपि विधानार्थमेव, कहते हैं आपके उक्त प्रकार के अनुसार जो विचार करके देखते हैं, दीर्घ जो उच्चारण की आनुक में आ क्यों बोला, नुक कह देते हैं, अनुक कह देते तो इंद्रायणी तो बन जाएगा, इंद्र अनुक अकस्मात दीर्घ हो जाएगा, इंद्रायणी बन जाएगा। अथवा आनुक विभाजन कर दो, इंद्र के आकार को आकारादेश हो जाएगा और नुक आगम हो जाएगा। इसे व्यवस्था दिया पूर्व पक्ष ने पहले, उस पर नव्या बोल रहे हैं उक्त रीत्या दीर्घोच्चारण अन्यतोपि विधार्थमेव, परंतु आ अनुग इति पद विभज्य, कैसे पद विभाग करना है, आ अनुग इति पद विभज्य नकार से आकार आदेश कृते दीर्घ ग्रहण सामर्थ्याद अनजंतरस्यापि अनुकीकृते ब्रह्माणि इति सिद्धि इति न व्याख्येयम्। प्रश्न कहाँ उठता है, अदंत में तो समस्या नहीं होगा, इन समस्या हलंत में, पृष्ठ 565 नीचे टीका 565। तो कह रहे हैं कि भाई देखिए ब्राह्मण है ना, नाम थे ना, वो तो ब्राह्मण है नाम थे, और उसको स्त्रीत्व में ला रहे हैं आपने, आपने विग्रहवाक्य क्या किया था, ब्रह्मांडम जीवयति आनयति वा, ये तो था ना वांत में, कथम ब्रह्माणी इति ब्रह्मांडम आनयति जीवयति इति, कर्मण्यन्नाधिकारी होकर के ब्रह्मांडम आनयति जीवयति इति ब्रह्मणी, कर्मण्यन हुआ क्योंकि आपने विग्रहवाक्य ब्रह्मांडम कर्म लिया है, आनयति जीवति इस अर्थ में अण प्रत्यय कर दिया कर्म पद में रहते हुए, और वो विवक्षा कर दे स्त्रीत्व में, तो ब्रह्माणी रूप बनाना है, तो वहां पर ब्रह्मन नाम क्या है, और स्थिति में जो आ नकार को क्या करेंगे, ब्रह्मन के नकार को आकार आदेश कर देंगे, नकार से आकार से कृते दीर्घ ग्रहण सामर्थ्याद अनजंतस्यापि अनुकी, तब क्या करेगा, आनुक की जरूरत नहीं, आ हो गया अलग, नुक कर दो, अनुक कहे बिना भी जब नकार को दीर्घ आकार आदेश कर दिया और केवल नुक का आगम करने से ब्रह्माणी बन जाएगा, है कि नहीं, अनुक कहने की जरूरत उस, तो इसलिए कहते हैं कि कोई जो नकार से आकार से कृते दीर्घ ग्रहण सामर्थ्याद अनजंत स्यापि अनुकी कृते ब्रह्माणी की सिद्धि थी न व्याख्यम, ऐसा व्याख्यान नहीं करना, क्यों, उभय विधो वाक्य भेद आपत्ति है, कि दो दो विधि करोगे ना, फिर इधर आकार आदेश का विधि करना है और अनुक आगम का विधि करना है, आदेश आगम दोनों एक सूत्र इस प्रकार से विधान करोगे तो गौरव दोष हो जाएगा, मैंने वाक्य भेद नाम का महान गौरव दोष है, मीमांसा में तो वाक्य भेद दोष जहाँ आ गया तो कहते सर सत्यनाश हो गया बोल देंगे, वो इस दोष से बचने के लिए पूरी प्रयास की जाए, क्योंकि एक वाक्य से एक ही विधि हो सकता, अनेक विधि नहीं हो सकते। हाँ, जहाँ पर ऐसी स्थिति भी आए उन्होंने भी कहा युगपत भी हो सकता है, उस स्थिति में जब वह अन्य प्रकार से सिद्ध ना हो, तो जब अन्य प्रक्रिया से सिद्ध हो सकता है फिर अनेक विधि क्यों करना, जरूरत ही नहीं, से सोमेन जयता में वहाँ प्रतिष्ठान दिया ना, सोमेन यागम भावे यागे अनिष्टम भावे, ऐसा दो दो विधान करोगे तो वाक्य विद्वोष होगा, उसे मत्वर्ती लक्षणा कर देंगे, सोमवता यागे अनिष्टम भावे, एक ही वाक्य से विधि सिद्ध हो जाएगी, दो जरूरत है ही नहीं, सोमेन कर सोमवता मत्वर्थ कर दो तो अपने आप दोनों का एक साथ सोम द्रव्य का भी विधि हो गया, तद्वान याग का भी विधि एक ही से हो सकता है, तो अलग अलग दो विधि क्यों मानना, नहीं जहां नहीं है वहां तो करना ही पड़ता है, उन्होंने स्वीकार किया है वाक्य भेद दोष, वाक्य चार अलग अलग दो तत्प्रज्ञ शास्त्र न्यायादि इत्यादि है ना, हर संग्रह में आया हुआ है, चार प्रक्रिया से हमें कहीं कहीं पर दोष को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन वहीं पर मानेंगे ना जानने कोई गति न, जब यहाँ दूसरी रास्ता निकल रही वही करे, उभय विदो वाक्य वेद आपत्ते, किंतु इंद्रम आचक्षाण इंद्र तत्कोति तस्थिति न्यंतात्व करो तस्य स्त्री इंद्राणीति सिद्धति व्याख्य, ऐसा सिद्ध करने के लिए आवश्यक है व्याख्या करनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंद्रम
आचक्षाण थी इंद्र बना लिया, तब करो नेंथ से फ्लिप कर दिया, सर्वापार लोप हो गया। बोले नीच भी चलो लोप हो रखा है ना, नीच भी लोप हो जाएगा, इंद्र ही बचेगा, प्रकृति बचेगा, इंद्र शब्द बच गया। तस्य स्त्री व इंद्राणी रूप बनाना है, ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि वह नीच जो लोप हुआ है बीच में व्यवधान बनेगा। इसलिए कह रहे हैं कि तस्य इंद्राणी की सिद्धि थी, इसी की सिद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आनुक कहना जरूरी है। आनुक कहने पर वो दोष नहीं आएगा। ये नीच जो करेगा क्या, स्थान उद्भव कब होता है उसका, अच्छा परस्मिन पूर्व विधो, पूर्व के स्थान में कोई विधि करना हो तब ना आएगा, और पूर्व स्थान में कोई आकार आदेश नहीं करेंगे। हम पूरे आनुक को आगम मान रहे हैं, तो पूर्व के यदि इंद्र के आकार को हम आकार आदेश करते और इधर अनुक या अनुक आगम करते तब तो आचार्य प्रसिद्ध पूर्विधो आ जाता, अब वो आएगा नहीं, क्योंकि पूर्व संविधान ही नहीं कर रहे, पूरे इंद्र शब्द को आनुक आगम हो रहा है। इसलिए आनुक कहना लाघव है, आ नुक करना या आ अनुक करना, ये सब महान गौरव कार्य है। इसे दीर्घोच्चारण सामर्थ्याद अथ इत्यधिकारो अनुपसर्जनाधिकारश्च बाधते सुवचत्ता। इसे एक और लाभ है, दीर्घ उच्चारण सामर्थ्य क्या है, अतः इस अधिकार को भी बाध्य जाएगा। क्या अतः परस्य, अभी तक जो विधियां चल रही सब अजात दृष्टा के अतः का अधिकार चल रहा है, एक तो अधिकार को भी हम रोक सकते हैं आनुका का विधि सामर्थ्य, क्योंकि इंद्र शब्द से आनुक करेंगे तो इंद्र के आकार तो था ही, अतः का अनुवृत्ति आ जाएगा, फिर आ कहने क्या जरूरत थी, अनुकरेंगे अकस्मृत भोग सिद्ध हो सकता था, फिर पाणि ने आ उच्चारण किया, इस वक्त ज्ञापन करता है अधक अनुवृत्ति नहीं है, अतः हलंत ब्रह्मन शब्द से भी आपने इस सूत्र को लगा दिया। ये तो लाभ है, और दूसरा लाभ क्या है, हाँ अतक अधिकार बाध हो जाएगा और अनुपसर्जन अधिकार बाध्य थे, अनुपसर्जन आपका अधिकार चल रहा था वो भी गया, इसलिए उपसर्जन में भी आप इस सूत्र को लागू कर सकते हैं। ये दो दो लाभ है दीर्घ उच्चारण करने का। नच उभय बाद अभिगमो अपेक्षया अतैत्य अधिकार बाद मातृभिगमेन ब्रह्मणा स्त्री ब्रह्माणी इति रूप सिद्धये आकार आदेशो अनुच्च भवति इत्येव व्याख्यायताम इति न वाच्य। वो कहते दो दो का जो है अधिकार, दो अधिकार को बाध करने की अपेक्षा से एक अधिकार को बाध, किसको, अनुपसर्जनार्थ, और अतः किसको कर रहे हैं, अतः इत्यधिकार बाद मात्र, अतः मात्र का बाद दो, उपसर्जन का बाद मत करो, अनुपसर्जनार्थ का बाद नहीं करना, केवल अतः का बाद कर देना, एक का बाद करो, तब क्या होगा, तब भी रूप तो बन जाएगा आपका ब्राह्मण स्त्री ब्रह्माणी रूप सिद्धि हो जाएगी। कैसे, आकार का प्रश्न मान लो, आनुक में आ अनुक कर तब क्या होगा, ब्रह्मन के नकार के स्थान पे दीर्घ आकाश हो जाएगा और अनुकागम हो जाएगा, अनुक में क्या बचेगा, अन बचेगा, अकस्मृत हो जाएगा। अनुक के आकार करने की क्या जरूरत है, यदि हम केवल नुकागम कर देंगे नांत पद हो जाएगा, नलो प्रसिद्ध अधिकारी होकर के लोक की प्रसिद्धि आ जाएगी, वह न हो इसे अनुक कहना जरूरी है। यदि रूप सिद्ध आकार आदेश हो अनुच्चव व्याख्याता नवाच्य, ऐसे एक देशी ने जब कहा सिद्धांत के नहीं नहीं वाक्य भेद आपत्ति अपेक्षा उभय बाधन गौरवस्य सुसहत्ता। बात वही लौटा, वाक्य भेद जो है डबल विधि करना, उसकी अपेक्षा से मैंने आ अनु दो का विधान करना, मैंने आदेश और आगम दो का विधान करने की अपेक्षा से दो को बाधना लाघव है, विधि करना गौरव है और बाधना लाघव है, ये कह रहे वाक्य भेद की आपत्ति के पेशा से उभय बाधन जो करना जो गौरव है वो ज्यादा सुसह है, मतलब वो सहनीय दोष है, असहनीय दोष नहीं, वाक्य भेद तो असहनीय दोष है। एवं च ब्रह्मांडम आनयति जीवित इत्यादि वक्षमाण ग्रंथोपि स्वरत संगत से इत्याहु, इस प्रकार से व्यवस्था दिया है। लौटिए वापस मूल में, बाकी सब सरल है, देख लेना। कथम ब्रह्माणी इति ब्रह्मांडम आनयति जीवति इति कर्मण्यन रूप होकर के अन्नन तथा जो है गीपाधिकारी प्राप्त होता है उसे बाध करके सूत्र से अनुकागम होकर ब्रह्मांडीय रूप बन जाता है, इस पर भी संकेत टीका में वहां हो चुका था।
और यहाँ का थोड़ी आप देखिए 567 में मूल में बीच का सब सरल है, ये बाकी बालमरम तो हो चुका है, सब बालमरम हो चुका है। अब यहाँ कथमिति इंद्र वरुण इत्यादि सूत्र है ब्रह्मन शब्द से अग्रहणात् ब्रह्मणस्त्री इत्यर्थे ब्रह्माणित्य आनुंगीशो कथम इति प्रश्न उत्तरम वाह ब्रह्माणमिति आनेति इत्यस्य व्याख्यानम जीवेति इति, आनेति की ही व्याख्या है जीवेति, अनप्राणे धातु से आनेति बना लिया है, अनप्राणे प्राणानाम प्राणानाम ने जीवनाम, इसलिए आनेति कर जीवेति। असमान धातु और हेतुमन नीचे उभय उपदावृद्धौ तिपि शपि गुण अयादेशो आनेति इति रूपम भर्तृजीवनस्य जाया सौमंगल्या आयतत्वात्, भर्ता का जो जीवन है वह जाया पत्नी की सुमंगलता से ही प्राप्त होता है। ततश्च ब्रह्मानम आनेति इति विग्रहे आनी इति न्यंता कर्मण्यन इति अणि नेरणि इति नीलोपे आन शब्देन ब्रह्मानम इत्यस्य उपपद समासे सुब्लुकी नलोपे सवर्ण दीर्घे ब्रह्मान शब्दात तिट्ठान इति नीपि यस्य अकार लोपे पूर्वदा संज्ञा मघाइत्यणत्वे ब्रह्माणि की रूपमिति भावः, पूरी प्रक्रिया दे दिया आपने, कर्मण्यन कर दिया है, ब्रह्मानं में ब्रह्मन शब्द पूर्व पद में रह गया, ब्रह्मन अम है ना और अनप्राण धातु है उसे अण हो गया प्रत्यय, अण के आकार बचा आना बना ब्रह्मन आना, ये स्थिति रहा। उस स्थिति में क्या होगा निरटी देगा और बाकी ना नियंता कर्मण्यन की अणि निरटी थी नीलोप है, पहले नीलोप कर लो तब आन शब्द देना ब्रह्मानम इत्यस्य उपसमास उपसमास किया और अम्मा आदि के बीच का लुक हो गया सुब्लुकी नलोपे नलपर से नकार का लोप हो गया, फिर ब्रह्म और आना बचा अका सवर्णदीर हो गया, सवर्णदीर के ब्रह्मान शब्दा टिड्डाने से गीप हुआ, जैसे चीज थी हाँ इससे क्या हो गया अकार का लोप हो जाएगा। तो पूर्व दा संज्ञा मगे थे नक्त ब्रह्मानित रूपम विधि भाव, इस तरह से ब्रह्मा आनुकागम आनु कितना इतना गौरव काम करने की अपेक्षा से जरूरती नहीं गीप होकर के सारे कार्य सिद्ध हो सकता है। एक काजुत्रपदी तो ना, फिर एक काजुत्र न लगनी चाहिए, ये क्यों नहीं लगा दंत्र कार का मूर्धन्य हो जाए। अणि सती प्रातिपदिक द्वेचकत्व लुप्ते अपि अणि लोप सस्थान, ये जो है आप एकाज उत्तर पद न उत्तर पद क्या होना चाहिए एकाश होना चाहिए, वहां पर क्या है अण के आकार बोला आन बना था, आन क्या है द्वेच हो गया एकाच नहीं है, इसलिए वह दंत नकार मूर्धन्य नहीं होगा, कहते वो तो आकार लोप हो गया ना निचकाई, लोप जब हो ही गया तो दिक्कत क्या रह गया, तब कहते नहीं निचका जो ई लोप हुआ है वह स्थान उद्भव हो जाएगा, नेर स्थान उद्भावात प्रातिशत्व क्यों लुप्ते पेणी लोपस्य स्थान भैया अण का जो है लोप भी हो गया बाद में, गीप जब आया क्या किया आपने अण के आकार का लोप किया, पहले निच का लोप कोई बात नहीं लगे अण के आकार का भी लोप हो गया, तब तो गीप का ही मिल करके ब्रह्मानी रूप बना है, ये जो अण के आकार लोप हुआ उसके स्थान लोप कर देंगे तदंत ना, क्योंकि पूर्व में कार्य कर रहे हैं ना आन के नकार उत्तर के आकार अण का आकार था उसका लोप किया, उसके पूर्व में कौन है दंत नकार, उसको नत्व करना है अवर्णत्व कार्य के प्रति स्थान बहु करके निषेध हो जाएगा। पूर्वोत्तर सिद्धि न स्थान यदि चुना तब कहेंगे नत्व कार्य तो पूर्वोत्तर सिद्धि कार्य है, यहाँ स्थान भाव कैसे आप ले आए, पूर्वोत्तर सिद्धि कार्य में स्थान भाव लागू नहीं होते वार्तिक है नहीं, कह दो तस्य दोष क्या है नलोप 237 तस्य दोष संयोगादि लोप लत्वणत्व लत्वणत्व तस्य दोष संयोगादि लोप लत्वणत्वेषु एव, अच्छा तो इस वार्तिक के द्वारा जो है स्थानित भाव का निषेध करने वाले को भी निषेध कर दिया अर्थात स्थानित भाव हो जाएगा। क्रीतात् कर्णपूर्वात् क्रीतात् कर्णपूर्वात् दोनों पंचमी के क्वचन के पद है, क्रीतांतात् अदंतात् कर्णादेहे स्त्रियां गीष्यात् क्रीत शब्दांतो क्रीतांतात् अदंतात् और अदंतो
कर्णवाचक शब्द पूर्व पद में रहो, कर्ण आदे है, कर्ण आदि में जिसका ऐसा जो समास होगा तो स्त्रीत्व कक्षा में गीश होता है, गीश प्रत्यय हो जाएगा। वस्त्रेण तृतीय कर्ण विग्रह, वस्त्रेण क्रीता या सा वस्त्र क्रीति, एक वस्त्र दे करके दूसरा कोई चीज जो खरीदा गया है, यही तो द्रव्य विनिमय। आजकल तो रुपया बन गया, नोट देना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं था, एक सामान देते थे उसके जगह दूसरे सामान ले आते थे, ये द्रव्य विनिमय था। तो कपड़ा दिया उसे दूसरा चीज खरीद लिया, तो ऐसा जो खरीदा वस्तु है वो स्त्रीत्ववाचक होगा तब बनेगा, नहीं तो वस्त्र क्रीता पुल्लिंग में होगा, वस्त्र क्रीतम नपुंसकलिंग होगा, वस्त्र क्रीति में फिर बनारस स्त्रीलिंग में। क्वचिन्ना यानी कहीं कहीं सूत्र लगेगा भी नहीं, धनेन क्रीता इति धन क्रीता, पैसा देकर खरीदा हुआ, पैसा दे करके खरीदा हुआ, धनेन क्रीता या शास्त्री धन क्रीता। अब आइए इसकी टीका में, कर्णम आदि यशी विग्रह प्रातिपदिक शब्दों विशेष्याम, प्रातिपदिक शब्द विशेष बन जाएगा, तेना कर्णादेरिति पुंस्तम उत्पन्नम, इसलिए कर्णादे ऐसा पुल्लिंग करना उचित ही है। वस्त्र कृति इति ननु वस्त्रेण क्रीता इति टाबन्तेन विग्रहे कृतिकरणे कृता बहुलम इति समासात्मकम प्रातिपदिकम आदन्तम एव, ये वस्त्रेण क्रीता ऐसा विग्रह वाक्य करोगे वो तो आबंत रहेगा, दीर्घ रहेगा, अदंत कहाँ मिलेगा आपको, न तो अदंतम यदि कथम अत्र गीश, गीश की प्राप्ति नहीं होगी यदि चेत सत्य समास से ताब्द अलौकिक वगैरह वाक्यम प्रकृति, समास का जो है अलौकिक वगैरह वाक्य भले ही प्रकृति लौकिक वगैरह नहीं होता है, प्रकृति अलौकिक वगैरह वाक्य लिख रहे वो मुख्य है, लौकिक वगैरह वाक्य आप कैसा भी कीजिए उसे कोई दिक्कत नहीं है, इन अलौकिक वगैरह वाक्य में क्या लिख रहे हैं आप, वस्त्र ता क्रीता सूलिक रहे क्या विग्रह वाक्य तो हम कर रहे हैं, पहले लौकिक विग्रह में वस्त्र है ना क्रीता, इन अलौकिक में क्या लिख रहे हैं आप, वस्त्र धन ता क्रीता लिखेंगे, क्रीता नहीं लिखेंगे, क्रीता धन सु नहीं लिखेंगे, यदि क्रीता धन सु लिखेंगे फिर शुभलुक होने के बाद क्या बचेगा, वस्त्र क्रीता वो आबंध हो गया, अदंत नहीं रहेगा, फिर क्या प्रक्रिया अपनाते हो, कथित अलौकिक विग्रह वाक्य ही वास्तव में समास का प्रकृति है, लौकिक विग्रह वाक्य कभी प्रकृति नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति का इसलिए कहना पड़ता है कि लौकिक विग्रह वाक्य ऐसे भी किया जाता है ना, अश्वपद विग्रह वाक्य कई बार क्या होता है, अश्वपद विग्रह वाक्य हो जाता है, नित्य समास किसको कहते हैं, अश्वपद विग्रह वाक्य का नाम ही नित्य समास है, या विग्रह हुआ अध विग्रह वाक्य ही नहीं है, समास हो गया ऐसे प्रयोग होते हैं, अश्वपद विग्रह विग्रह वा नित्य समास कहा गया है, जहां जैसे वहां पर आप करते हैं द्विजाय इदम आपने कह दिया, लेकिन इदम को विग्रह वाक्य में नहीं लिखा जाता है, द्विजदन ये फिर सीधा प्रत्यय समास के विग्रह वाक्य में लौकिक वाक्य में कुछ बोलेंगे लेकिन उसको अलौकिक वर्ग जब बनाएंगे वहां पर उनका प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए अलौकिक विग्रह वाक्य को ही समास का वास्तविक प्रकृति माना गया प्रक्रिया के लिए। उस स्थिति में क्या होगा, वस्त्र भिस, वस्त्र ही कहोगे तो वस्त्र भिस क्रीत इति स्थिति, क्रीता नहीं क्रीत रहेगा इति स्थिति, गति कार्गो उपपदानाम कृत भी समासवचनम प्राक सुबुत्पत्ते है परिभाषा, इति परिभाषया सुबुत्पत्ते प्रागेव, इति परिभाषाया सुबुत्पत्ते प्रागेव, हमने क्या कर दिया कृत शब्देन समासे, कृत शब्द के साथ समास कर दिया, ताप आया ही नहीं उसे पहले समास कर दे, सुपो धातु इति सुबलुकी वस्त्र कृत इति प्रातिपदिकस्य अदंतत्वं निर्बाधम इति भावः, एतच्च पुंयोगादाख्यायाम, इस बात को पुंयोगादाख्या में सूत्र में भाष्यकार स्वयं स्पष्ट कहा है, इति सूत्रे भाष्य स्पष्ट तरी धनक्रीता इत्यत्रापि गीश स्यात्, यहाँ धनक्रीता टाप कैसे हो गया, यहाँ भी गीश होना चाहिए, धनेन क्रीता या सा धनक्रीति बनना चाहिए, धनक्रीता क्यों हो गया, तक कहते हैं कर्तिकरणे कृता बहुलम इति बहुल ग्रहणेन बहुल ग्रहण सामर्थ्य गतिकारक उपादानम इत्यस्य क्वचिद अप्रवृत्ति अवगमात,
से कहीं कब उसकी उस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी। यह निश्चय होने के कारण से यह सुबंत समास, सुबंत के साथ समास होगा तो वो आबंत रहेगा। धन ता क्रीता सु रहेगा, क्रीता सु रहेगा। ये कर्तृकरण कृता बहुम सूत्र बहुलक का अथवा उस सूत्र समास ही नहीं कर रहे। जब वो सूत्र समास नहीं करेंगे तो परिभाषा भी लागू नहीं होगा। इसे सुबुत्पत्ति से पहले समास यहाँ नहीं हुआ, सुबुत्पत्ति के बाद समास करेंगे। जब सुबुत्पत्ति के बाद समास करना है तो पहले टावंत लेना ही पड़ेगा। तो धना ता क्रीता सुबुत्पत्ति के पश्चात समास है, ऐसी स्थिति में वो आबंत मिलेगा तो दीर्घ रहेगा, अदंत नहीं रहेगा तो गीष नहीं होगा। तत्र जो सुपा प्रागेव अंतरंगता टापी सती, सुपवन से पहले ही अंतरंग बने तो पहले टाप की जाती है। तथा सुपी टावंत प्रकृति को सुबंत न समास है, टावंत प्रकृति को सुबंत के साथ समास किया है आपने। इसे शुभ लुक की धनकृता शब्द से अदंत प्रभाव न गीषित्यर्थ एवं चतई अनुवृत्त प्रयोजन इत्युक्तम भवति। इसे अतैत अनुवृत्ति करने का भी प्रयोजन कह दिया गया, समझ लेना चाहिए। अलग से इसे कोई और पदकृति इसलिए अथ का प्रयोजन बताने के लिए नहीं किया गया। एतच्च उपदमतिम् इत्यत्र कयट् स्पष्टम्। यह बात भी उपदमतिम् कयट् के आधार पर हम कह रहे हैं। कर्णपूर्वाक्यम् जो मूल में है नहीं पदकृत्य उसको बता रहे हैं। कर्णपूर्वाक्यम् सुक्रीता, सुक्रीता यहाँ सु क्या है, कर्णवाचक नहीं है, उपसर्ग है, अव्यय है वो, तो इसलिए वहां नहीं हुआ। न चयमपि वस्त्रेण क्रीता इति वाक्याद् गीष प्रसंग। फिर वस्त्रेण क्रीता वाक्य से कर दो, अदंत प्रातिपदिक से ना ये सूत्र करेगा, वाक्य से तो निषेध नहीं करेगा। कहते नहीं होगा, क्रीता इति प्रातिपदिकस्य कर्णपूर्वत्वाद् अदंतत्वाच्च इति न वाच्यम्। ये क्रीता जो प्रातिपदिक है वह कर्णपूर्वक भी है, अदंत भी है, वाक्य जब बना देंगे तो। इति न वाच्यम्, कर्णपूर्वा इति ही क्रीतांतस्य प्रातिपदिकस्य विशेषण न तो क्रीत शब्द। क्रीतांत का विशेषण है वो कर्णपूर्वा, दोनों पंचमी है, इसलिए क्रीतात् कर्णपूर्वात्। जो कर्णपूर्वात् है वो क्रीतात् का विशेषण, क्रीत शब्द का नहीं, क्रीतांत का विशेषण है। येन विदिस तदंतस्य, अतएव तदंत का विशेषण होने के नाते वह क्रीत शब्द को लेकर व्यवहार नहीं है। तब विग्रह क्या करना है, फिर कर्णम पूर्वम यस्मिन, कर्ण वाचक शब्द है पूर्व में जिसका, ऐसा नहीं करना जिसमें, जिसका नहीं करना जिसमें, ऐसा जो समास, जिस समास में कृत शब्द अंत में हो और कर्णवाचक आदि में हो, पूर्व में हो, ऐसा समास लेना। यस्मिन करके विग्रह वाक्य कर दो, इति विग्रह कर्ण शब्दार्थ को पूर्वावयवात् कृतांत समास प्रातिपदिका इत्यर्थः। कर्ण शब्दार्थ जो है पूर्व अवयव हो और कृत शब्द कृतांत शब्द समास का अंतावयव हो, ऐसा अर्थ करना है। ऐसा जो प्रातिपदिक, इस प्रातिपदिक से गीष प्रत्यय होगा। ये तदर्थ में पूर्व ग्रहण, इसलिए पूर्व ग्रहण किया, अतः कृतात् करणात् कह देते सूत्र, अन्यथा कृतात् करणादित्येव अवक्षेदित्यलाम तादल्पाख्यायाम। पंचमी का एक वचन, अल्पाख्यायाम सप्तमी का एक वचन, कर्णादे एक तांताद अदंतात, एक तकार या नहीं है, तांताद अदंतात स्त्रियाम गीष्याद अल्पत्वे द्योत्य। कर्ण है आदि में जिसका, पूर्व थी तांत पद है अंत में जिसका, ऐसा जो समास है तदंत अदंतात, ऐसा जो अदंत समास और का हो उस स्त्रीत्व कक्षा में गीष प्रत्यय होता है। लेकिन वार्थ विशेषण विशेष भाव किसी में भी अल्पत्व का ज्ञापन हो रहा है तो अभ्रलिप्ति द्यौ, अभ्रलिप्ति द्यौ, आकाश कैसा है, थोड़े बादलों से घिरा हुआ है, या बादलों से थोड़ा घिरा हुआ है आकाश, लिप्ति। थोड़ा शब्द को, थोड़ा ही जो अर्थ है इसको दोनों में ले सकते हैं, अल्प में बादल में भी जोड़ सकते हैं,
घेरना अर्थ में भी जोड़ सकते हैं। थोड़े बादल आकाश को घेरा है, या आकाश बादल थोड़ा आकाश को घेरा हुआ है, दोनों का बन सकता है अल्प में। वही बता रहे, देखिए आगे, अल्पाख्यायम किम चंदन लिप्ता अंगना, ये पूरे शरीर में लेप कर दिया है लड़की ने, चंदन लगा दी। आजकल चंदन कौन लगाएगी, सेंट लगा रखी है पूरे बॉडी में, आजकल तो सरल कर दे, एक सेकंड में हो जा, लेपने में बहुत टाइम लगता है, सूखना पड़ेगा, झंझट है ना, इसे कोई झंझट नहीं है। चंदन लिप्ता अंगना, यह अल्पत्व नहीं है, पूर्ण व्याप्ति है ना, इसलिए यहां नहीं हुआ। नीचे देखिए, कर्णादिरति कर्ण पूर्व आदित्य अनुवृत्ति भाव तांतांतादित्यर्थ प्रत्यग्रहण परिभाषा लब्ध तांतेन प्रातिपदिक से विशेषणार्थ, वो भी तदंत कर दिया, तांत है जिसका, क्त है अंत में जिसका, अदंतादिति अदत्यन वृत्ते वो भी तदंत विधि होगी, अल्पत्य द्योत्येति अल्पाख्यामिति समुदाय उपाधि, समुदाय की उपाधि है। इसे अल्पत्वम करणगतम भी हो सकता है, क्रियागतम वा, दोनों ले लिया। अब्रलिप्ति, इसका दो अर्थ होगा, इसलिए अब्रैर अल्पैर आछन्ना, एक अर्थ है अब्रैर अल्पैर आछन्ना, इसका विशेषण हुआ यहाँ अल्प अब्र का, ये दोनों उत्तरत्या करते ना, इसलिए अब्रैर अल्पैर। और दूसरा क्या कर रहे हैं, अब्रैर ईशत आछन्ना, अल्पत्व किसका विशेषण हो गया, आछन्न शब्द का, ईशत आछन्ना, आछन्न किसका बता रहे, लिप्ति का, लेप हो रखा है। इति वा, दोनों अर्थ हो सकते। थोड़ा नीचे देखिए, क्वचिन नेति कर्तिग्रहण कृताबलमिति बहुल ग्रहणा गतिकारक पदेति वक्षमाणस्य क्वचित प्रवृत्तौ सुबंतेन समासः तत्र सुपः प्रागेव अंतरंग तट्टा, सुप होने से पहले ताप हो जाता है, ततो अदंतत्वभावात् न गीषित्यद्भाव कर्णपुरा इति किम गवाकृता अश्विनीकृता इत्यादि विग्रहे मा भूत। पूर्व शब्द ही अवयवचन, कि पूर्व शब्द क्या है, अवयवाचक है, मैंने समास का पूर्व अवय होना ही अर्थ करना पड़ेगा, समास का पूर्व अवय होना चाहिए। और समास का चर्मावय क्या रहेगा, कृतांत होगा, चर्मावय में चर्मावय किसको कहते हैं, समास के अंत्य अवय का नाम चर्मगत, चर्मे रूढ़ ऐसे कहा गया। समास प्रातिपदिकम च अन्य पदार्थ, तब उसमें अन्य पदार्थ कौन होगा, समास रूपी जो प्रातिपदिक, समास का प्रसंग होगा ना, कृतत समासाश्च कर्णम यस्मिन, इसलिए कर्ण है पूर्व में अवयव रूपेण, जिस समास में, जिस प्रातिपदिक रूपी समास में, तैदम कर्ण पूर्व तस्मा इत्यर्थ, ऐसा लिखना पड़ेगा। अत्र व्याचक्य हो क्ताद अल्पाख्याय में, अल्पाख्याय में समुदाय उपाधि अप्रेर अप्रलिप्त अप्रलिप्त इत्यादि पूर्व, ये सारा कोई विशेष नहीं है। कृतग्रहणे गतिकार पुरुष अभिग्रहणम इति समुदाय स्यापितांतत्तात् गीष, उस बार पारिभाषा के आधार पर समुदाय को भी तांत मान करके गीष होने में कोई दोष नहीं है। यद्यपि पूर्व पदार्थस्य अभ्राणाम एव अल्पत्वं गम्यते तथापि तदल्पत्व सति तद विलेपनस्यापि अल्पत्वं अवश्यं भवति, अभ्र का माने बादल कम होने से, बादल से घिरना भी कम देश में ही तो होगा, पूरे आकाश को थोड़े बादल थोड़े घेर सकते हैं, थोड़े बादल हैं तो आकाश का थोड़े हिस्से को ही घेरेंगे, अतएव बादल के अल्पत्व से ही अपने आप आकाश का अवच्छेदन भी अल्प में हुआ है, ये सिद्ध हो जाता है। अतएव दोनों अर्थ लिया गया, नहीं तो सूत्रकार से तो दोनों अर्थ का कथन नहीं है, लाक्षणिक है। समुदाय उपायित्व अल्पत्व से संगच्छते इति भावः, बहुव्रीय चांतोदात्तात्, बहुव्रीय है च अंतोदात्तात्, तीन पद है बहुव्रीय, पंचमी चब्बे अंतोदात्तात्, पंचमी का एक वचन, बहुव्रीय एक तांताद अंतोदात्तात् अदंता स्त्रियां गीष स्यात्, पत शक कर दो इसको, गीष का प्रकरण चल रहा है सब अभी, गीष स्यात् जाति पूर्वादिति वक्तव्यम, उसे वार्तिक भी जोड़ दिया, जाति ही पूर्वावय होना चाहिए, जातिवाचक शब्द पूर्वावय होना चाहिए। बहुव्रीहि समास हुआ हो, क्त प्रत्यांत ही है, उत्तर पद चर्मावय जिसका
ऐसा जो समास होना चाहिए, और वह समास में भी तव प्रत्यंत होने के बाद में समास स्वर आदि के द्वारा निश्चय करता हुआ अंतोदात्त होना चाहिए। अंत में उदात्त तो शेष निघात हो जाएगा, बाकी अनुदात हो जाएगा। अंत अनुदात हो या अंत सुरित हो, वह यह सूत्र नहीं लगेगा। अंतोदात हो तभी अदंत जो है, अदंत जो स्त्रित्व है, अदंत समास है, उस स्त्रित्व कक्षा होने पर तार समास प्रातिपदिकों से गीष प्रत्यय होता है। लेकिन वहां भी जैसे उत्तर पद का नियमन है यहाँ तांता, लेकिन पूर्व पद का भी नियमन कर दिया। क्या नियमन कर दिया? जाति पूर्वाद इति वक्तव्य। जातिवाचक पद ही पूर्वावय होना चाहिए और तांत जो है उत्तरावय, और वे समस्त पद में अंतोदात होना चाहिए। बहुत ज्यादा नियमों से युक्त सूत्र है ये। ऐसा जो होगा उसी को ही गीष करेगा। तेना बहु नय सुख सु काल सुखादि पूर्वात न, बहु नय सुकाल सुखादि पूर्वात न। सुखादि गण है, सुखादिभ्य कर्तृ वेदनायाम सूत्र में सुखादि गण का पाठ है, वो सुखादि गण पर शब्द सबको ले लिया, उन सबसे कह दिया न, उन सबसे निषेध हो गया, क्योंकि यहां वे जातिवाचक नहीं होते। जैसे बहु शब्द है, बहुत बहुत संख्या परक है, नहीं निषेध पर ये भी जातिवाचक नहीं है। और कुछ जाति वाल को उसने गिना दिया है सुकाल और सुकाल गण उपरी शब्दों से। दृष्टांत है ऊरु भिन्नी, दृष्टांत क्या दे रहे हैं? ऊरु भिन्नी नय बहुक्रीता, दृष्टांत दे रहे सूत्र का, और नय से जो का तेन इत्यादि का लाभ दे, तेना बहु आदियों में गीष नहीं होगा, उसका दृष्टांत कौन है? प्रति उदाहरण बहुक्रीता, बहुपूर्व पद में ना वहां पर वो दृष्टांत। और ऊरु भिन्नी जो दिया है वो बहुव्रीहच्छन्तोदात्त सूत्र का दृष्टांत है। भिन्न शब्द क्ता प्रत्यांत है, और ऊरु शब्द क्या है? जातिवाचक है। ऊरु मने जान, ये जातिवाचक शब्द है। और भिन्न शब्द कैसे बनना? भिदिलरी धातु से क्ता प्रत्यय होकर के, ठीक है नहीं? अतएव जो है वो कृतांत भी है, बहुव्रीहि समास भी हो रखा है। ऊरु भिन्नौ यस्या सा, दोनों ऊरु भिन्न है माने अलग अलग है। अलग अलग क्यों हो गया? कि पतले पतले हैं, मोटे मोटे जो एक दूसरे सट के चलते रहते हैं, इसलिए वो उसका दृष्टांत आया है पहले। तो यहाँ ऊरु कैसे हैं? भिन्नौ, भिन्नौ यस्या सा ऊरु भिन्नी, स्त्री को कहेंगे ऊरु भिन्नी। न य बहुक्रीता जातांतात् न, जात शब्द भी क्त प्रत्यांत है, जात शब्द भी क्त प्रत्यांत है, और साथ साथ अंतोदात भी है जब वो दंत शक्ति से समास होता है, तो वहां पर लेकिन गीष करना इष्ट नहीं है। इसे कहते दंत जाता, दंता जाता यस्या, सभी दांत पैदा हो गए हैं जिस लड़की का। चलो बच्चों के दांत धीरे धीरे उगते हैं, एक के बाद एक बार आते हैं, जिस लड़की के सारे दांत आ गए हैं उसको कहेंगे दंत जाता, गीष नहीं होगा। जाता दंता सर्वे यस्या सर्वा यस्या सा, ऐसे होगा। यहाँ पर थोड़ा पाठ भेद भी है, तो जो आप तत्वबोधिनी के अनुसार देखें ना, बहुकृता है ना, नय बहुक्रीता है ना, कृता भी है, कौमेरी मादा। नीचे देखिए दृष्टांत दे रहे हैं बहुकृता इति, बहुनी कृतानि यया सा, क्रीता और कृता दो बालमर के अनुसार कृता ही ठीक है, बहुक्रीता बहवा कृता यया इति विग्रह बालमरमान। ऐसा लगता है पाठभेद है, तत्वोधिकार के अनुसार कृता है और वहां क्रीता है बालमरमा के अनुसार, ये पाठभेद है। या इतनी टीका देख लो, बहुव्रीहश्च तादिति अत इति चानुवर्तते, अत का अनुवृत्ति होता है, तदा बहुव्रीहरिति तांतादिति, तांता मैंने तांतांत होना चाहिए। जाति पूर्वा इति विशेषण है ना, बहुवादि पूर्वाद न गीषित्यर्थ, जाति पूर्वाद विशेषण के देने के कारण से बहुवादि जो जातिवाचक शब्द रहे हैं उनके पूर्व में रहते समा गीष प्रत्यय नहीं होगा। और सुखादि क्या है? सुखादिभ्य कर्तृ वेदनाया में सूत्र के में पठित गण विशेष है।
जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छादना तो अकृत मित प्रतिपन्ना इति नई सुभ्यामिति बहोर नैवद उत्तर पद भूमि इति च तांत बहुरिवंत बहुर अंतोदात विधायकानी। इनमें अंतोदात को विधान करने वाले ये सूत्र है। इन सूत्रों से इन ये अंत में होते वक्त ये सब क्या करते हैं, बहुरी समास में अंतोदात का विधान करते हैं। अत्र जाति पूर्वादित्युक्ते बहुवादि पूर्वस्य अंतोदातत्वेपि, ये बहुवाद भी कैसे हैं, इन सूत्रों के द्वारा अंतोदात हो रहे हैं, लेकिन वहां पर पूर्वदास कर दिया गया। पूर्वदास इति भावा पूर्व भिन्नी थी, पूर्व भिन्नौ मैंने असंयुक्त यस्या इति विग्रह। निष्ठा इति भिन्न शब्द से पूर्व निपातस्तु न भवति, निष्ठा शब्द से पूर्व निपात क्यों नहीं हुआ, भिन्न ऊरु होना चाहिए, हाँ भिन्नोरु कैसे हो गया। तब कहते हैं जाति काल सुखादिभ्य परा निष्ठावाच्या इति वार्तिका, इस वार्तिक से पर ही रहेगा, पूर्व नहीं हुआ। जाति काल सुखादिभ्य इत्यादि सूत्रेण अंतोदात्तम इदम् जाति लक्षणं तु जातर स्त्री विषयाद इत्यत्र वक्ष्यते। जातर स्त्री अयोपदात सूत्र आएगा आगे में, उसके द्वारा भी जाति पूर्व में हो जाएगा। बहुक्रीदा बहवा क्रीता या विग्रह, अकृता सुकृता मासयाता सुखयाता दुःखयाता इति जब भाष्ये प्रत्युदाहृतम्। बहु का हो गया बहुक्रीता, और नई के लिए दृष्टांत अकृता, सु के लिए दृष्टांत सुकृता, कालवाचक के लिए दृष्टांत मासयाता, और सुखादि गण का दृष्टांत सुखयाता और दुःखयाता इत्यादि। भाष्यकार ने स्वयं इन सबको उदाहरण दिया है।